इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के चमेरी देवी पब्लिक स्कूल में कार्यरत महिला कर्मचारी की मौत को लेकर परिजनों और बलाई समाज के लोगों ने स्कूल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और महिला की तबीयत खराब होने के बजाय घर पर भेजने का आरोप भी लगाया, साथ ही मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल चमेली देवी स्कूल में कार्यरत महिला की मौत के मामले में बलाई समाज और परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल के मेन गेट पर महिला का शव रखकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि 65 वर्षीय सुगनबाई पिछले 16 सालों से केसरबाग रोड स्थित चमेली देवी स्कूल में कार्यरत थी, जहां वे सफाई सहित अन्य कार्य करती थी। गुरुवार दोपहर स्कूल में काम करते समय सुगनबाई को चक्कर आ गए और गिरने से हल्की सी चोट आई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने ऑटो से उन्हें घर भेज दिया, जहाँ उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। परिजन उन्हें एम्बाय अस्पताल लेकर गए, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर्स ने सही समय पर उपचार न मिलने से मौत होने की बात बताई है। इसके बाद परिजनों ने महिला का शव अस्पताल के गेट पर रखकर प्रदर्शन किया, जहां बलाई समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई भी बात करने नहीं आया, लिहाजा समाजजनों ने पुलिस की मौजूदगी में एक ज्ञापन बनाकर स्कूल प्रिंसिपल को सौंपा, जिसमें उन्होंने महिला के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने एवं परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी प्रदान करने तथा एक बच्चे को 12वीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो रोड पर चक्का जाम किया जाएगा और स्कूल का संचालन नहीं होने देंगे। बस जैसे ही तबीयत खराब हुई उनने स्कूल से यहाँ से डाल दिया, घर रिक्शा करके घर पे पहुँचा दिया। घर पर नहीं था मैं, बाकी आ गया था, मैं फ़ोन आया था मेरे पास, तो खाली फ़ोन ही आया था, 15 मिनट में मैं पहुंच गया था यहाँ पे गेट पे। मृत्यु हुई है वो रास्ते में ले जाते हुई कि हॉस्पिटल में? सर हॉस्पिटल तो वहाँ पूरा दिन तो यूँ ही इनने ख़राब कर दिया था। हाँ, अगर यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल कहाँ भी भर्ती हो जाती तो बच जाती हो। अभी ये आएंगे 11:30-11:12 के अंदाज में। अभी सुबह रात में हुई है उनकी 5:30-5:30 बजे। ये चमेली देवी स्कूल में सुगन भाई नाम की एक महिला है जो करीबन 20 साल से यहाँ काम कर रही थी, उसको कल अचानक सर में दर्द हुआ और यहाँ गिर गई थी वो, तो स्कूल की तरफ से उसको उसके घर छोड़ा गया था, है ना। फिर वहाँ जाने के बाद उसकी और तबीयत खराब करी, जो उसके परिजनों द्वारा एम वाई हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पर उसकी फौत हो गई है। तो मृतक परिजनों का कहना है कि उसको हॉस्पिटल तुरंत क्यों नहीं ले जाएगा, इस चीज़ का लेकर थोड़ा विवाद हो रहा है और आपस में समझौता हो रहा है, ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है स्कूल को उसके मुआवजे और नौकरी के लिए, और एक आवेदन थाने में भी दिया, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें आगे की जाएगी।